चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सेवई उपमा। चलिए बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए वो भी देख लेते हैं। आइए, सेवई उपमा बनाने के लिए पहले तो सेवई, इधर सब्जी में हम लिए गाजर छोटे छोटे करके, बीन्स छोटे छोटे करके और ग्रीन पीज, और हमने धनिया का पत्ता, दो ग्रीन चिल्ली उसको छोटे छोटे करके काट के लिए हैं। इधर हम सरसों और राई लिए हैं तड़के के लिए। इधर घी और नमक, यही सब चीज़ को लेके हम बनाने वाले हैं सेवई उपमा। चलिए बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं कढ़ाई गरम के लिए रख दिया है और उसमें एक चम्मच घी डाल दिया है गरम के लिए। घी गरम हो गया है, हम उसमें सेवई भून लेते हैं। सेवई हमारा भुन चुकी है, हम उसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सेवई को हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं, उसी कढ़ाई में हम अभी बचा हुआ एक चम्मच घी डालेंगे। आप चाहे तो घी का परिमाण थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम घी गर्म हो गया है, बारीक काट के रखे थे हरी मिर्ची डाल दिए और राई और जीरा वो भी डाल दिए। अब सब कुछ चला लेते हैं। राई और जीरा चटक गया है और मिर्ची भी भुन चुका है। अब हम काट के रखे हुए सब्जी उसमें मिला लेते हैं। अब सब्जी में हम 2-3 चम्मच पानी डाल देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ड्राई हो चुका है, इसलिए 2-3 चम्मच पानी डाल के उसको हम ढक के आधा पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी 1-2 मिनट में उसको खोल के देख लेते हैं। अभी देख लीजिए, पानी पानी हमारा सोख चुका है और सब्जी हमारा आधा बॉयल हो चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहे हैं। हम जो सेवई को जो भून के रखे थे, अभी उसको वेजिटेबल के साथ हम मिला लेते हैं और उसमें स्वाद अनुसार नमक और 1 छोटे चम्मच चीनी मिला लेते हैं, एकदम छोटे चम्मच। आप चाहिए तो आप, अगर को आपको अगर नहीं चाहिए तो आप ना मिलाए, मुझे पसंद है इसलिए मैं मिला ली। और अभी हम पानी देंगे सेवई और जो सब्जी उसको पूरी तरह पकने के लिए जितना आवश्यकता पानी वो दे देते हैं। अब हम सबको पकने के लिए छोड़ देंगे ढककर। अब ये देखिए, हमारा सेवई उपमा बन के रेडी हो चुकी है, सब सब चीज़ पक चुकी है। अब हम धनिया के पत्ते जो काट के रखे थे उसको हम मिला लेते हैं।
और एक दो बार उसको चला लेते हैं। हमारा बन के रेडी हो गया है सेवई उपमा। फ्रेंड्स, हमारी सेवई उपमा बन के रेडी हो चुकी है।